आज देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, एक कोई भी जो प्रोग्राम होता है तो उसके क्या-क्या जो सेक्शन हो सकते हैं। तो इस सेक्शन में अभी जो है छह चीज़ें हैं। एक और बात है कि अभी मैं आज इसके समझाने के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम बताऊंगा, तो आपको वो समझ में आए या ना आए उससे घबराने वाली थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो प्रोग्राम करेंगे एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से, एक लाइन का जो प्रोग्राम होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा जो प्रोग्राम है बड़े से बड़े करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सिक्स सेक्शंस हैं, यहाँ पे फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या है कि ये जस्ट मतलब डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे अगर कोई भी प्रोग्राम हमारा मतलब किसी ने राइट किया, किसी प्रोग्रामर ने, तो जनरली इसमें क्या होता है, उस प्रोग्रामर का नेम होता है, डेट होता है, किस पर्पस के लिए लिखा गया। तो सिंपली ये क्या होता है, एक ओवरव्यू होता है एक प्रोग्राम का कि आखिर ये इसका ओवरव्यू क्या है, किसने लिखा, कब लिखा। तो ये बस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के लिए होता है। सेकेंड जो होता है वो है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन क्या होता है कि जब हम एक प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब फंक्शंस हो गए, लाइब्रेरी फंक्शन जो कि कंपाइलर को हेल्प करने के लिए इंक्लूड की जाती हैं, तो वो सारे क्या है कि लाइब्रेरी फंक्शन है और वो पहले से ही मतलब रिटन है, वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो उन सबको यूज़ करने के लिए प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, उसे लिंक करते हैं। तो उस लिंक करने के लिए हमारा क्या होता है, लिंक सेक्शन होता है, सेकंड सेक्शन। थर्ड क्या है, डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन क्या है कि कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक ही वेरिएबल हो गया, चाहे कोई एक फंक्शन हो गया, जो कि हर जगह पूरे प्रोग्राम में कई जगह हमें यूज़ करना पड़ता है, और ये भी हो सकता है कि अभी बाद में हमें उसका वैल्यू चेंज भी करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक ही जगह उसको डिफाइन कर देते हैं और पूरे प्रोग्राम में हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम यूज़ करते हैं, तो वो डेफिनेशन सेक्शन है। अभी एक बार और मैं बता रहा हूँ कि ये समझ में नहीं भी आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ये धीरे धीरे एक एक चीज़ जो है डिटेल में देखेंगे, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल्स ग्लोबल, जैसे हमारे पास दो सेक्शन होते, दो टाइप के से वो स्कोप हैं, एक लोकल और ग्लोबल। तो ग्लोबल क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होता है, और जो लोकल होता है विद इन अ फंक्शन ही अवेलेबल होता है। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या होता है, हम वो चीज़ें, वो वेरिएबल्स, वो क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं, जो कि हमें हर प्रोग्राम में, हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में नहीं, हर फंक्शन में हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो हो गया हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। उसके बाद आता है सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट है, वो मेन फंक्शन है, क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, और इसके बगैर कोई भी हमारा प्रोग्राम नहीं हो सकता। और अगर किसी भी फंक्शन में अगर कम से कम एक फंक्शन होना चाहिए और वो फंक्शन है मेन, मेन यहाँ पे MAIN, और यहाँ पे पैरेंथेसिस है, और वैसे भी कहीं भी पैरेंथेसिस ये दिखे तो वो क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन, वो फंक्शन का साइन होता है। और लास्ट है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन क्या है कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो, कि कई बार हमारा जो प्रोग्राम है सेम मतलब जो कोड है हमें बार बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो सपोज़ कि अगर 5 टाइम्स हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें 5 टाइम्स लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक उसका फंक्शन बना लेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। तो वो हमारा क्या होता है, सब प्रोग्राम सेक्शन। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब आखिर जो हमने चीज़ें देखी, तो इसके लिए जो है एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और मतलब ऐसा इसमें भी समझ में आया ना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं शुरू से हम लोग करने वाले हैं, तो ये क्या हो गया, कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन क्या होता है, जनरली कमेंट सेक्शन दो तरह के, एक होता है मल्टी लाइन, एक होता है सिंगल लाइन। तो ये अभी क्या है कि मल्टी लाइन है, तो ये सारी जितने इसके कमेंट सेक्शन के अंदर जो लाइन्स आते हैं, जो स्टेटमेंट्स आते हैं, तो वो कंपाइलर जनरली इग्नोर करता है, ये कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं होता, ये बस डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। मतलब जैसे अगर कोई एक प्रोग्रामर ने लिखा और फिर कोई दूसरा प्रोग्रामर उसे पढ़ना चाहता है कि आखिर इसका पर्पस क्या है, क्योंकि कोड देख के समझने में वक्त लगेगा, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट सेक्शन हमने देखा था, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये है अब यहाँ पे क्या, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो ये क्या है कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड मतलब फंक्शन है, जैसे स्कैन एफ, प्रिंट एफ, तो वो सारे जो हैं फंक्शन इसमें डिफाइन है।
तो वो क्या होता है कि ये जो फंक्शन उनका डेफिनेशन जो है वो एक लाइब्रेरी फंक्शन में, और वो इसका हेडर फाइल क्या है stdio.h, इसमें डिफाइन है। तो इसको इंक्लूड करने से क्या होता है, कंपाइलर को पता चल जाता है कि वो जो हमारा प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो ये जनरली क्या करता है कि बस लिंक करता है जो डिफरेंट जो हेडर फाइल्स हैं। थर्ड है इंट मैक्स 100,000 है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है मेन के बाहर है और फंक्शन है यहाँ इसके भी बाहर है, तो ये जो है कि ग्लोबल, यानी कि अगर देखा जाए तो ये भी यूज़ कर सकता है, ये भी यूज़ कर सकता है। तो ये जो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आता है, यानी कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि हमें ऐसा यूज़ करना है कि अगर एक चेंज कर रहा है तो दूसरे को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, चाहे सारे मिलके वो एक्सेस कर रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि एक ग्लोबल डिक्लेरेशन हम यूज़ करते हैं। और ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर एक वो आता है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल हो सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं फिलहाल, और बाकी स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। तो अब उसके बाद हमें कई बार ज़रूरत पड़ी, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि फंक्शन हम खुद से क्रिएट करते हैं और उसको हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो ये बस हमारा एक सिंपल, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो एक बेसिक से हमारा प्रोग्राम ले, तो ये सारी मतलब जो भी सेक्शंस हैं उसमें अवेलेबल होंगी। हाँ, अगर कोई हम सिंपल सा प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारे सेक्शन है उसमें अवेलेबल ही हो। तो अगर एक जो फुली प्रोग्राम देखें तो उसमें ये सारे सेक्शन हो सकते हैं। ओके, डन। अब शुरू से हम देखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसके से हम मतलब एकदम स्टार्टिंग से हम प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे।